वड्डी खबर सामने आ रही है। नाके दौरान पुलिस अधिकारियों के वलों चैकिंग जो की जा रही थी, दो अजिहे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हों के संपर्क जिहड़े व्यक्तियों के नाल सन वह सीधा गोल्डी बराड़ के नाल संपर्क के विच दसे जा रहे हैं। जिस तों बाद इन्हों नौजवानों तो जिथे हथियार बरामद होए ने उत्थे ही जो पता चलिया कि इन्होंने नौजवानों से पहला ही कई परचे दर्ज सन। तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि यह उही नौजवान है जिन्हों पुलिस के वलों काबू किया गया। इस पूरे मामले के मोगा की पुलिस के वलों इस मामले के वड्डे खुलासे किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने दसिया है कि इन्हों थाना सिटी मोगा के एरिए जो पुलिस पार्टी बाईपास कोटकपुरा जी टी रोड से मोगा लुधियाना पुल हेठ मौजूद सी तो इन्हों मुखबर की अतला से काबू किया गया है। जिन्हों का नाम गुलशन कुमार उर्फ शेरू तो दूसरे का नाम दिलप्रीत उर्फ गोलू दसिया जा रहा है। इन्हों के पासों एक रिवालवर 32 बोर, एक पिस्टल 32 बोर, 4 जिंदा रौंद और एक ब्रीजा कार बरामद की गई है। पर इस पूरे मामले पर की कहना है सीनियर पुलिस अधिकारियों का, तुसी भी सुन लवो। सी एम मैना वालों दो बंदे फड़िया, ये एक तो गुलशन है और एक दिलप्रीत है। ये दोनों बंदे बेसिकली जगराउंड के रहने वाले हैं और इन्हों के खिलाफ़ कई मुकदमा दर्ज हैं। गुलशन के खिलाफ करीब 11 मुकदमा दर्ज ने और दिलप्रीत के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज ने। ये साढ़े CAA टीम ने बहुत बढ़िया अच्छा ऑपरेशन किया है एंड इन्होंने इन्हों तो दो वेपन रिकवर किया है, एक 32 बोर का पिस्टल है और एक 32 बोर का रिवॉल्वर है। 4 जिंदा राउंड्स मिले हैं और इन्हों तो एक स्विफ्ट ब्रिजा गाड़ी भी मिले हैं और फिलहाल ये गाड़ी तस्दीक करन तो पाया गया है। यदि इंजन नंबर चैसिस नंबर असली डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है और लुधियाना का एड्रेस दिखा रही है। एक टीम गई हुई है वेरीफाई करने के लिए गाड़ी का नंबर का असली ओनर का कौन है क्या है। और फिलहाल इनसे पूछताछ करने में ये पता लगा है इन्होंने ये जड़ा वेपन आगे बठिंडा तो एक मलकीत है और हरप्रीत है, वो दोनों गोल्डी ब्रेड के साथ लिंकड ने एसोसिएट्स ने, उनसे इन्होंने वेपन खरीदा है। और ये दोनों बंदे जो आप पढ़िया वो सारे 2 नंबर का शराब का काम करते हैं। काफ़ी इन्होंने झगड़ा उची, काफ़ी शराब दा इन्हों के खिलाफ बहुत पर्चा दर्ज ने, कभी लड़ाई झगड़ा भी शामिल ने इन्होंने। और एक गुलशन है साढ़े मोगा दे बदनी कला केस में POB है और ये दोनों हजे अरेस्ट होने वाले हैं। जगराउंड ची एक 307 केस में वांटेड ने उत्ते अरेस्ट होने रहता है। असी जगराउंड पुलिस ने भी इन्फॉर्म कर दिता और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज असी इन्होंने कोर्ट ची पेश करांगे, रिमांड लेवांगे, फिर फर्दर पूछताछ करांगे। जड़ा वेपन है इन्होंने शायद अपोजिट ग्रुप के साथ इन्हें दुश्मनी चलता, वो भी 2 नंबर की दारू सप्लाई करते ग्रुप है उनके साथ असल है। वो पहले भी इन्होंने फायरिंगें की है, काफ़ी माड़े बैड एलिमेंट्स हैं और साढ़े TCA टीम में बहुत अच्छे सफलता हुई है, कामयाबी हुई है। असी जड़े आंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ सरकार वालों जड़े हदायतें के मुताबिक जड़े ड्राइव चल रहे हैं, असी लगातार कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड कराएंगे। सर कितनी देर तक संपर्क के बीच में गोल्डी ब्रॉड में ये डायरेक्टली ये गोल्डी ब्रॉड ये टच में नहीं है, बीच में जड़ा बठिंडा दी लिंक्स ने दो है वो गोल्डी ब्रॉड के साथ एसोसिएटेड ने टच में है, उनके साथ ये टच में है जड़ा मलकीत सिंह है और हरप्रीत सिंह है। उन्होंने तो उन्होंने पहला भी एक बार असला लिया है। ये एक टीम मैंने अभी फिलहाल बठिंडा के लिए मूव किया है, उन्होंने भी वेरीफाई करा लेंगे। वेरीफाई करके अगर जेल से ने तो फिर प्रोडक्शन वारंट में लेवांगे, अगर बाहर ने तो फिर असी उन्होंने पढ़ के लेवांगे, फिर फर्दर पूछताछ करेंगे। सर जिहड़ा पहला असला लिता सी इन्होंने उहदे बारे पता लग्या कि किहड़ा असला सीगा किथे है? यस कुछ सानू पता है और कुछ डिटेल्स भी है। हमारा फर्दर अभी ऑपरेशन अभी कैरी फॉरवर्ड में इन्हें तो सानू उम्मीद है। डायरेक्टली ये गोल्डी ब्रॉड ये टच में नहीं है, बीच में जड़ा बठिंडा लिंक्स ने दो है वो गोल्डी ब्रॉड के साथ एसोसिएटेड ने टच में है, उनके साथ ये टच में है जड़े मलकीत सिंह है और हरप्रीत सिंह है। उन्होंने तो उन्होंने पहला भी एक बार असला लिया है। ये एक टीम मैंने अभी फिलहाल बठिंडा के लिए मूव किया है, उन्होंने भी वेरीफाई करा लेंगे। वेरीफाई करके अगर जेल से ने तो फिर प्रोडक्शन वारंट में लेवांगे, अगर बाहर ने तो फिर असी उन्होंने पढ़ के लेवांगे, फिर फर्दर पूछताछ करेंगे। जो पहला असला लिता से इन्होंने उसके बारे पता लगे कि असला यस कुछ सानू पता है और कुछ डिटेल्स भी है। हमारा फर्दर अभी ऑपरेशन अभी कैरी फॉरवर्ड में इन्हें तो सानू उम्मीद है और एक आधा वेपन रिकवर होने के लिए साढ़े ऑपरेशन चल रहा है। आपका ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद फिर मैं डिटेल तोड़ना चाहूँगा। ये बहुत बैड एलिमेंट है माड़े आंसर ने और मैंने पहले बताया था एक बंदे के खिलाफ तो 13 FIR रजिस्टर्ड ने,
काफ़ी सारे शराब का दो नंबर का सप्लाई का पर्चा है और लड़ाई झगड़ा का भी है। सो कहीं ना कहीं वारदातें होने वाली हैं, असी टाइमली इंटरवेंशन करा के रुकवा दिया। बट रिमांड तो लेने के बाद ही फिर फर्दर डिटेल हम डिटेल पूछताछ करेंगे, फिर शेयर करेंगे। सर यस डेफिनेटली उन्होंने राउंड अप करने लिए टीम मूव की हुई है एंड होपफुली आजकल तो असी फड़ लेंगे, फड़ के फिर आगे पर फर्दर पूछताछ करेंगे।